उत्प्रेरण जो टॉपिक था, उस उत्प्रेरण टॉपिक के अंदर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है जियोलाइट उत्प्रेरण। इससे पहले जो एंजाइम को खत्म किया था, तो एंजाइम के बाद में आता है जियोलाइट उत्प्रेरण, जिसका दूसरा नाम है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। मतलब ये जो उत्प्रेरक है वो किस रूप में कार्य करेगा, आकार के आधार पर जो हमारे पास उत्प्रेरक है वो क्रियाकारक का आकार के आधार पर क्या करता है, वर्ण करता है, और उसके आधार पर उसके ऊपर उत्प्रेरण की क्रिया को संपन्न करने देता है। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले अगर इसको समझे, जियोलाइट उत्प्रेरक या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, तो अपने यहां पर कहा गया है कि सूक्ष्म छिद्र युक्त एल्बिनो सिलिकेट को क्या कहा जाता है, जियोलाइट उत्प्रेरक या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, इसका एक सामान्य सूत्र अपने देखा गया, तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, एम एन। एन क्या चीज है, इस धातु एम की ऑक्सीकरण अवस्था है, AlO2XSiO2Y, और इस पूरे के ब्रैकेट में क्या लगा दिया, जेड, और डॉट MH2O। ठीक है, तो ये एक जियोलाइट का एक सामान्य सूत्र हो जाता है। इस सूत्र के आधार पर हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा गया है, तो ये एक जियोलाइट का सूत्र लिखा गया है। ठीक है, अब होता क्या है जियोलाइट के अंदर, तो जियोलाइट में जो ये सिलिकॉन परमाणु है, इस सिलिकॉन परमाणु की जगह पर, कुछ जगह पर कौन सा परमाणु आ जाता है, एल्युमिनियम परमाणु आ जाता है। अब सिलिकॉन परमाणु की संयोजकता होती है 4, और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है, 3। तो इसका मतलब जहां से सिलिकॉन परमाणु जब निकला है वहां पर क्या बन जाता है, एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस जो बने हुए जो छिद्र है, इन बने हुए छिद्रों में क्या हो जाता है, जल का जो अणु है वो क्या हो जाएगा, इनमें चला जाएगा। तो इस तरह जब इनके अंदर जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, जल योजित जियोलाइट कहा जाता है। और इस जल योजित जियोलाइट का जो उपयोग है वो अपने पास, अपने 11th क्लास में भी जो पढ़ा था वो क्या था, कि अपने पास जो कठोर जल है उस कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए इस जियोलाइट उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। आयन विनिमय विधि के द्वारा कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित किया था। ठीक है, अब क्या करें, ये जो जल योजित जियोलाइट है इसको अगर अपने गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, जल के अणु क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे, और वाष्पित होने पर कहा होगा कि वहां पर सूक्ष्म छिद्रों का निर्माण हो जाएगा। अब इन सूक्ष्म छिद्रों में जो क्रियाकारक अणु है वो इन सूक्ष्म छिद्रों में क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, और अधिशोषित होकर जैसे अपने विषमांगी उत्प्रेरण की अभिक्रिया विधि समझी थी, तो वो जो सक्रिय स्थल थे उन सक्रिय स्थलों पर क्रियाकारक के अणु अधिशोषित हो रहे थे। इसी प्रकार से यहाँ पर जियोलाइट उत्प्रेरण में क्या होगा, कि जो सूक्ष्म छिद्र बन रहे हैं इन सूक्ष्म छिद्रों में क्या होंगे, कि जो क्रियाकारक के अणु है वो क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, और वो आगे परस्पर अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब इसको आकार वर्णात्मक क्यों नाम दिया गया, क्रियाकारक अणु वो ही इसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे जिनका आकार इन छिद्रों से क्या होगा, छोटा होगा। जिन क्रियाकारकों का आकार इन छिद्रों से बड़ा होगा वो इन छिद्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आकार वर्णात्मक, मतलब आकार के आधार पर क्रियाकारकों का वर्ण करता है, चयन करता है। इसलिए इसको नाम दिया गया आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, समझ में आ गया इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, किसे कहा जाता है, ये भी अपने पास यहाँ पर दे दिया, सामान्य सूत्र भी अपने लिख दिया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था, कि अल्कोहल को गैसोलिन में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अल्कोहल को गैसोलिन में परिवर्तित करने के लिए कौन से जियोलाइट उत्प्रेरक को प्रयोग में लिया जाता है, तो वो हमारे पास जो उसका आंसर था ZSM5। ठीक है, क्या आंसर था हमारे पास, ZSM5 जियोलाइट उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। इसके अलावा अन्य हमारे पास जियोलाइट भी हैं, जिसमें अपने पास आ जाएगा परम्यूटेट, जिसका सूत्र अपने लिख दिया गया है यहाँ पर, ZSM का अपने प्रयोग बता ही दिया गया। इसके अलावा इयोनाइट, ये भी हमारे पास क्या है, एक जियोलाइट उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जियोलाइट उत्प्रेरक, जिसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ हमारा जो उत्प्रेरण जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया।